हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग पैड। मैं 2 हफ्ता पहले एक वीडियो बनाया था मार्केट के रिलेटेड, उस वीडियो को जाके देखना। ऐसा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मैंने पूरा अच्छे से बताया था कि कैसा लग रहा है मुझे मार्केट, क्या लग रहा है, कैसा हो सकता है। मैंने पूरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था वीडियो, लंबा भी हुआ था, लेकिन वीडियो में आपको पूरा बहुत ज्यादा इंसाइट मिला है। मैं हमेशा ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं नॉर्मली बनाता हूँ कि नेक्स्ट वीक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उस टाइम पे मैंने 2 तरह का मैंने व्यू बताया था, तो उसको आप जाके देखो और जाके आपको तब समझ में आएगा कि कैसे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। मैं एंड में वीडियो लगा दूंगा, आप जाके जरूर देख। अभी बात करते हैं इलेक्शन का, क्योंकि लाइक सैटरडे को शायद लास्ट फेज है और उस दिन भी एग्जिट पोल है। देन वो मंडे को रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद आपका ट्यूजडे को शायद रिजल्ट भी है। तो अभी क्या करें हम लोग, ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। देखो, अब अगर देखोगे ना कि लोग बोलेगा ये कर लो वो कर लो, मतलब स्ट्रगल कर लो, लॉन्ग स्ट्रगल करो, लॉन्ग स्ट्रगल, ये सब मत करना, पूरा फंसोगे। वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो तो है ही, क्योंकि आई भी बहुत स्पाइक होंगे तो बहुत फंसोगे। तो करना क्या है, बहुत चीजें कर सकते हो आप और बहुत सारे स्ट्रेटेजीज भी आप यूज कर सकते हो। एक तो कर सकते हो, लेकिन आपको अभी पता कैसे चलेगा कि वॉलेटाइल एक्सट्रीम लेवल पे होने वाला है, तो आपको कैसे पता चलेगा? इलेक्शन के दिन का तो आप छोड़ दो, क्योंकि उस दिन आप मत करो। उस दिन बहुत ही अलग टाइप का मार्केट होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन अब जो एग्जिट पोल का है वो आप प्ले कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ सिंपल बातें बताता हूँ। देखो, अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, थर्सडे के दिन जो भी कैंडल बनेगा, मान लो ग्रीन बना या रेड बना, उसका 50-60% चांस है कि फ्राइडे को भी वो बनेगा, मंडे को भी वही कैंडल बनेगा। अगर ग्रीन बना देन फ्राइडे को हो सकता है 1-2% और बढ़े, देन मंडे को हो सकता है 2-3% और बढ़े। मतलब दिन बनना है तो 2-3% ऐसे बढ़े, ऐसा हो सकता है। रेड कैंडल बनने से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन थर्सडे को जो कैंडल बनेगा वही होगा, वो चांसेस उतना नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन फ्राइडे को जो बनेगा, अगर फ्राइडे को मान लो आपका ग्रीन कैंडल बन रहा है, देन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा परसेंटेज चांस है कि मंडे को वही कैंडल बने और उस तरफ ही मूव हो 2-3% और, मिनिमम 2-3% और मूव हो। अगर मान लो फ्राइडे को आपका ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो आप कुछ पोजीशंस ऐसे बना के लेके जा सकते हो जिसमें आपका लॉस कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो, ऐसा, और आपका कुछ लॉस कैप रहे, या फिर आप रेड कैंडल बना रहा है देन वो भी कर सकते हो। और अभी कि अभी बाय करे स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं लास्ट लाइक जो मैं वीक वीडियो बनाया था उस टाइम पे मैंने कहा था मैं अभी स्टॉक बाय करूंगा कुछ, और उस स्टॉक का मैं 30% प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि अभी अगर इलेक्शन टाइम में अगर कुछ भी आता है, नेगेटिव रिजल्ट आता है, कुछ भी होता है, देन मार्केट उसको रिएक्ट करेगा और बहुत ही गंदी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो 30% बुक कर लिया, 70% मैं इसी वीक बुक करूंगा, ठीक है? मैं फ्राइडे तक देखूंगा या फिर देखता हूँ मैं कैसा होता है माहौल। अगर लग रहा है कि नेगेटिव हो सकता है देन मैं अभी खत्म कर दूंगा मेरा बुक करके, या फिर जो भी है, अगर लॉस भी हो रहा है तो लॉस भी बुक करूंगा। अभी तो प्रॉफिट चल रहा है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है स्टॉक्स में। 2 हफ्ता पहले जो मैं स्टॉक्स बाय किया था उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं शायद नेट टू नेट में निकल जाओ, 30% जो प्रॉफिट हो वो शायद मेरा प्रॉफिट है, जो भी है। लेकिन अगर फ्राइडे को मुझे पॉजिटिव लग रहा है तो मैं कैरी करूंगा कुछ, एटलीस्ट वहां से 20% बुक करके और 50% कैरी करूंगा, क्योंकि उसमें हो सकता है बाद में कुछ अच्छा एक मूव आए, है ना? तो उस मूव को मैं मिस नहीं करूंगा, थोड़ा मेरा फोमो ना आएगा तो मैं तो उसको मैं प्ले कर पाऊंगा 50% क्वांटिटी के साथ। एक सोल्यूशन ये है। लेकिन अभी क्या करें, अभी आप क्या कर सकते हो कि अभी मैं स्टॉक्स बाय करूं? नहीं, अभी मत करो। करना है तो थोड़ा रुक जाओ, इतना दिन रुक के और थोड़ा रुक जाओ कि इलेक्शन का आ गया, आपको लगेगा। बहुत सारे यूट्यूब में मैं देख रहा था कि उस दिन उस टाइम पे 17% भागा था एक दिन निफ्टी। हमेशा नहीं होगा, अभी मार्केट ऑलरेडी रन अप कर चुका है, मार्केट ऑलरेडी रन अप कर चुका है, तो मार्केट के पास जगह नहीं है इतना रन अप करने के लिए। मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि अभी निफ्टी का वैल्यूएशन मुझे हाई लग रहा है। हाई इन, देखो बहुत लोग बोलेगा कि हाई भी नहीं है लो भी नहीं है, ठीक ठाक है। देखो, अब अगर एक जींस खरीदने जाता हूँ तो अब क्या देखता हूँ, उसमें ऑफर आया कि नहीं, 10% डिस्काउंट आया कि नहीं, 5% डिस्काउंट आया कि नहीं, तब खरीदता हूँ ना। उसका फेयर वैल्यू तो वही रहता है, 999 का मान लो खरीद रहे हो, फेयर वैल्यू तो वही है, लेकिन आप 10% डिस्काउंट के लिए ढूंढते हो ना, सिंपल बात है। तो आप वो जो 999 वाला डिस्काउंट प्राइस कब कब मिलेगा, जब मैं तो शॉर्ट वीडियो में बोला था कि एटलीस्ट निफ्टी को यहाँ से 10% या 5% तो करेक्ट होना ही चाहिए मिनिमम। मिनिमम मतलब 21,000 के आसपास ही मैं निफ्टी को फेयर वैल्यू, मतलब मेरे लिए अट्रैक्टिव वैल्यू हो जाएगा। आप बाय करो, आप थोड़ा सा बल्क बाय कर सकते, बल्क बाय अभी मत करो। थोड़ा सा एसआईपीज है तो उसको थोड़ा सा लाइक कट डाउन प्रोसेस में चले जाओ। मान लो आपका 10,000 का एसआईपी था तो उसको 7,000 कर दो, 6,000 कर दो,
और 4,000 को किसी फ्लोटिंग फंड्स में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो या फिर किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दो, बाद में उस पैसा को आप यूज कर सकते हो। तो ठीक है, चार्ट में भी देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका बता रहा था, और चार्ट में देखते हैं क्या लग रहा है, कैसा हो सकता है, और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से, और अच्छे से थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि आप क्या टेक्निक यूज कर सकते हो। वीडियो को आखिर तक देखना, और लास्ट में मेरा वो पहले 2 वीक पहले जो मैं वीडियो डाला था उसको जाके देखना, जरूर देखना। ठीक है, चलो चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हम लोग उस वीक क्या डिस्कस किए थे। ठीक है, मैं जब यहाँ ये वाला क्लोजिंग के बाद मैंने कहा था कि ये वाला लेवल जब तक नहीं ब्रिज करेगा मैं बाय स्टॉक्स बाय करते रहूँगा, और अगर निफ्टी मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलता है या फिर बैंक निफ्टी में बताऊंगा वो भी मिलता है तो मैं करूंगा। लेकिन निफ्टी में तो मिला ही नहीं, एक भी मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुए। बैंक निफ्टी में एक हुआ है मेरा स्टॉप लॉस हिट, मेरा शॉर्ट बना था लेकिन वो रिवर्स कर गया, और यहाँ पर मैंने स्टॉक्स में अच्छा खासा मेरा हो गया बन गया। यहाँ पर मैं 30% बुक भी किया, और मैं अगर मिलता है मुझे और थोड़ा ऊपर जाता है देन मैं वहाँ पर बुक कर लूँगा। ठीक है, ये तो था, उस वीडियो को आप जाके एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर एक जंक्चर बना हुआ था तो इसलिए मैं उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता था। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहले मैं ट्रेडिशनल थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, देन अभी ट्रेडिशनल तो काम नहीं आएगा कि बहुत बड़ा इवेंट है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, तो ट्रेडिशनल इतना काम शायद ना आए क्योंकि सेंटिमेंट होगा, बहुत कुछ होगा, न्यूज़ होगा, तो वही शायद अल्टीमेटली वर्क करे, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। अभी क्या कर सकते हैं देखो, और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपको शायद नहीं मिलेगा, लोग लोग क्योंकि लोग ट्रेंडिंग चीज़ें बनाते हैं लेकिन मैं ट्रेंडिंग नहीं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, थोड़ा सब कुछ लेके बताता हूँ। ठीक है, पहले ऐसे ट्रेडिशनल कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल में आप मुझे जो लग रहा है कि निफ्टी देखो ऊपर तो रेजिस्टेंस है 23,200-23,300 पर रेजिस्टेंस, इन द सेंस ये एक जोन बनेगा कि यहाँ से सेलिंग आ सकता है। ठीक है, 23,300-23,200 से एक सेलिंग आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा आएगा क्योंकि अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे पे मार्केट नहीं चलेगा। अभी जो ये वाला लेवल 250-300 इस जोन से आएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत रनअप कर चुका है, तो इतना रनअप के बाद एक पुल बैक आएगा देन उसको क्रॉस करेगा तब वो नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन अभी नॉर्मल तो नहीं रहा मार्केट क्योंकि कुछ दिनों के लिए नॉर्मल नहीं रहेगा मार्केट, तो फिर भी हम लोग ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, और अभी बेयरिश कब होगा देखो, अगर बेयरिश का लेकिन हो सकता है कि बेयरिश अगर आ जाए तो बेयरिश हो जाए। ठीक है, मतलब अगर बेयरिश उस नीचे लेवल के नीचे आ जाए तो शायद मार्केट कुछ फैक्टर इन कर रहा है या फिर मार्केट कुछ पता है पहले से। तो अभी मार्केट कहाँ पर है, 22,952 पे है। अगर निफ्टी 22,600-650 इस जोन को, हाँ इस जोन को अगर 650 पकड़ लो, 650 के नीचे भी आने से, 650-700 के नीचे, 700 के नीचे आने से आपका मतलब पहला आपका शुरू हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है इसके नीचे आ गया तो अभी शायद हो जाएगा, देन 650 जो जोन है इसको ब्रेक करेगा देन आप उसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो कि हाँ मार्केट कुछ पता है, अगर यहाँ से 200-250 पॉइंट मान लो 250 पॉइंट 700 के नीचे 250 पॉइंट अगर नीचे आ गया देन उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ चलो ठीक है मार्केट को शायद कुछ पता होगा जो हम लोगों को नहीं पता, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, और अभी देखो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अगर आता है, मान लो वो पावर में आता है तो वो कैसे आ रहा है, जैसे तैसे आ रहा है गठबंधन करके आ रहा है तब मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा, अगर ऑपोजिशन आ रहा है तब भी मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा, उल्टा ज़्यादा तब नेगेटिव रिएक्ट करेगा। इसलिए नहीं कि ऑपोजिशन खराब है बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट का नेचर है। ठीक है, कोई भी ऑपोजिशन आए चाहे ऑपोजिशन कितना भी अच्छा हो मार्केट एक बार के लिए गिरेगा फिर वो तुरंत उठ जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट वहीं पर रहेगा। अगर मार्केट मान लो ऑपोजिशन आता है मतलब इंडिया एयरलाइंस आता है, वो आने के बाद मार्केट एक बार झटका देगा नीचे का फिर वो इवेंचुअली मार्केट ऊपर की ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगा ऊपर जाएगा। अगर बीजेपी आता है रूलिंग जो गवर्नमेंट है अगर वो आता है अच्छा मेजोरिटी के साथ आता है मार्केट उसको चेयर जरूर करेगा और मार्केट थोड़ा सा एक बार के लिए ऊपर जाएगा और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। और अगर बीजेपी थोड़ा सा जैसे तैसे आया तब भी मार्केट नेगेटिव करेगा तो शायद उतना नेगेटिव तब ना करे, तब 7-8%, 6%, 5% का रिएक्शन दे। तो ये तीन सीनरीज हो गया। ठीक है, और अभी हम लोग जो ट्रेडिशनल का बात किया तो ये वाला अभी जोन दिख रहा है, बाय बाय का देखो अभी सेंटिमेंट वाइज चलेगा और मैं ऊपर से रेजिस्टेंस मुझे जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो हाँ ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली ये वर्ड यूज़ नहीं करता लेकिन ये वर्ड यूज़ करो तो मतलब ये आएगा, क्रैश आएगा मार्केट में,
अभी आए बाद में, अभी अब सब लोग बोलेंगे अरे ये तो आएगा एक दिन ना एक दिन, एक ना एक दिन आएगा, लेकिन मैं रीजन बता रहा हूँ किस रीजन से आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कौन सा रीजन से क्रैश आएगा वो आप सुन लो ठीक है। तो ऐसा नहीं दूसरा रीजन से क्रैश आएगा, इस रीजन से क्रैश आएगा अल्टीमेटली, दूसरे रीजन से भी आ सकता है, कोई वार वोर हो गया वो अलग बात है, लेकिन फाइनेंशियल रीजन ये है यूएस बैंकिंग क्राइसिस में है, तो ये क्रैश आएगा, आज नहीं आएगा, हो सकता है 6 महीना बाद आए, इलेक्शन इलेक्शन है यूएस में भी दिसंबर में, तो शायद उस टाइम पे आए, उसके बाद आए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रैश आएगा, ये क्रैश पेंडिंग नहीं है, ये एक जैसे कि 2008 में जो आपका रियल एस्टेट बबल ब्लास्ट हुआ था, या फिर 2000 के टाइम पे जो आईटी बबल ब्लास्ट हुआ था, तब जो 2008 में जो रियल एस्टेट बस्ट हुआ था वो 2005 से चलते आ रहा था क्राइसिस, मतलब ये रियल एस्टेट में बबल हो रहा था, 3 साल तक वो बबल चला फिर ब्लास्ट हुआ, फिर जो 97 96 से चल रहा है वो आईटी का, अब लाइक इवेंचुअली कब आए 1999 2000 के रेंज में आया था, तब इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं है लेकिन यूएस में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था उसका। इंडिया में इफेक्ट क्यों नहीं था, इंडिया में भी इफेक्ट हुआ, वो स्टॉक्स इफेक्ट हुए, लेकिन मतलब उतना उतना ज्यादा इफेक्ट क्यों नहीं है, इंडिया मार्केट में नहीं पड़ा था, इंडियन मार्केट उतना ज्यादा आईटी स्टॉक्स नहीं थे, वो सब ज्यादा निफ्टी फिफ्टी का पार्ट नहीं थे, वो लोग कुछ स्टॉक्स निफ्टी फिफ्टी का पार्ट थे, कुछ अलग थे, वो आप जाके एक बार चेक कर लेना ठीक है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, लेकिन जो अभी आएगा वो यूएस बैंकिंग क्राइसिस के लिए आएगा, कुछ एक न्यूज आएगा बड़ा सा तभी वैसे क्रैश आएगा, और वो क्रैश लंबा क्रैश आएगा, कब आएगा पता नहीं, और नॉर्मली क्रैश आने से पहले मार्केट उठता ही है, उठता ही है, एक बबल क्रिएट करेगा ही करेगा मार्केट ठीक है, क्रैश आने से पहले बबल, अभी अभी आगे क्रैश मान उस रीजन से भी क्रैश आ गया, बोलो सबको पता है, हाँ पता है सबको, मैं नहीं बोल रहा मुझे पता है, आई एम नॉट द जस्ट वैसा वाला इंसान हूँ कि मुझे लाइक एक सीक्रेट खबर मिल गया, नहीं मिला मुझे, सबको पता है, लेकिन तो बोले तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, तो देखो अभी इतना सारा पैसा अभी है लोगों के हाथ में, मार्केट 2-3% गिरने से मार्केट में पैसा लगा दे, जब सबका गला भर जाएगा ना पैसा लगा लगा के तब आएगा क्रैश, गला भरने दो पहले लोगों का, उसके बाद आएगा क्रैश ठीक है। तो ये तो रहा क्रैश की बात, तो अभी क्या लगता है कि मान लो बीजेपी 500 सीट से आ गया, जो ठीक है जो भी है, मान लो बीजेपी 500 सीट से आ गया, तो क्या लगता है, मुझे जो एकदम लग रहा है अगर मैं मंथली चार्ट भी देखूं, अगर मैं मंथली चार्ट भी देखूं, चलो मंथली देखते लो कौन सा, मतलब कितना जा सकता है, ऐसा टाइप का होता है ना कि बहुत चला जाएगा, कितना जाएगा, एकदम फ्रेंकली बात करो 24,200-300 से इस जोन से मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है, चाहे बीजेपी 500 आए, 1,000 सीट लेके आए, 10,000 सीट लेके आए, मुझे 24,200-300-400 मैक्सिमम 500 से ज्यादा नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ से 1,500 पॉइंट निफ्टी, और इसके बाद एक अच्छा खासा एक फॉल आएगा, हो सकता है 7-8% 10% का फॉल आए, देन इवेंचुअली बढ़े, और क्रैश कब आएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन उस रीजन से आएगा, ये मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, या फिर ग्लोबल में क्या चल रहा है, मतलब बहुत सीन चल रहा है, तो वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं, और बाकी कुछ नहीं, वो क्रैश का पता नहीं, लेकिन ये अगर 24,500 तक आ गया जैसे तैसे, तो वहां से एक अच्छा खासा एक करेक्शन आना ही आना है ठीक है, तो इससे ज्यादा मार्केट एक बार के लिए नहीं भागेगा, इतना मैक्सिमम है 1,500 पॉइंट जो निफ्टी के लिए इवेंचुअली 7-8% है अभी के लिए, तो 6.5-7% जो भी है उतना ही अभी और दिख रहा है मुझे, जितना भी आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा रनअप कर चुका, आपका इलेक्शन का रनअप यहाँ से आया ठीक है, आपको आप लोगों को लग रहा होगा ये वाला नहीं है, इलेक्शन का रनअप यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो कहाँ से आया इलेक्शन का रनअप, 18,800 से इतना तक आ गया इलेक्शन का रनअप, तो अभी और रनअप आना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं हो सकता, और अगर आप मतलब टेक्निकली भी देखोगे, मुझे नहीं पता टेक्निकल में क्या टारगेट बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है सेंटिमेंट वाइज वो वाइज मैं बता रहा हूँ, और निफ्टी बहुत ज्यादा रनअप कर चुका है, मतलब पहले से अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें, बहुत लोग बोलेंगे वैल्यूएशन सही नहीं, मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूँ, वैल्यूएशन अभी हायर साइड में है, वैल्यूएशन थोड़ा लोग बोलेगा ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं है, हाँ अभी पी रेशियो जा सकता है 40 तक जा सकता है, 50 तक जा सकता है, जा सकता है, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको वहां खरीदना चाहिए, मुझे नहीं लगता, वहां पर आप बहुत छोटा स्विंग ट्रेड करते हो, बहुत कम के लिए 1 वीक के लिए से करते हो, देन आप करो, देन आप स्टॉक्स बाय करो इट्स ओके, आपका मोमेंटम मिला बाय कर लो इट्स ओके, लेकिन आप इन्वेस्टेड इस जगह पे इन्वेस्टेड मैं कतई नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं उल्टा भी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करूंगा, मतलब
मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक ही कर रहा हूँ, मेरा स्विंग पोजीशन से भी कर रहा हूँ, इवन मेरा अपना जो ETFs थे उनसे भी मैं धीरे धीरे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ में रख रहा हूँ, उस प्रॉफिट को फिर से यूज करूंगा ऐसा टाइप का। तो अभी निफ्टी वही दिख रहा है, और जो बैंक निफ्टी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, शायद वो जो एक बात मैं जो अभी कहा कि शायद US का जो क्राइसिस है उसकी वजह से शायद बैंक निफ्टी भी परफॉर्म नहीं कर रहा, पता नहीं वो रीजन हो सकता है, कुछ और रीजन हो सकता है, आई डोंट नो, बट हो सकता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा और परफॉर्म ना करे, क्योंकि US में अगर बैंकिंग क्राइसिस आएगा तो हम लोग का बैंक निफ्टी बहुत तगड़ा गिरेगा, क्योंकि US का बैंकिंग उतना नहीं आगे गया जितना हम लोग का बैंकिंग सेक्टर भागा। तो इस हिसाब से अभी मंथली चार्ट में भी अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूं, अगर मंथली में बैंक निफ्टी मुझे मैक्सिमम दिख रहा है, एकदम मैक्सिमम दिख रहा है मुझे 53,000 to 54,000 मान लो, और यहाँ से 7-8% मैक्सिमम, 7-8% मतलब 50, यहाँ से कितना 7-8% कितना हो जाएगा आपका 2,000-3,000 पॉइंट मैक्सिमम देख रहा हूँ मुझे, 50 या फिर 49 पे है तो वही 52 ऐसा देख रहा हूँ, 52 और 53 के बीच में से ही मुझे लग रहा है ये वाला इस जोन से आएगा, जो करना है अगर इतना तक आएगा कि बीजेपी 500,000-10,000 सीट आ जाए तब भी वही होगा मुझे लग रहा है जो। और बैंक निफ्टी का थोड़ा ट्रेडिशनल डिस्कशन कर लेते हैं, ऊपर से अभी ऊपर से कहाँ से आ जाते हैं, ऊपर से वही लाइफ टाइम के हाई के आसपास से एक सेलिंग आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, जो निफ्टी में 23,200-23,300 का है वहां से आने का चांसेस है, अगर वहां से नहीं आया तो मतलब ऐसे ब्रेक करेगा नीचे कौन सा लेवल, तो हम लोग देखो नीचे का लेवल में थोड़ा एक्टिव रहना, क्योंकि नीचे का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट नो समथिंग जो आपको नहीं पता तो शायद वो रिएक्ट करेगा। 48,000 ये वाला जोन है, 48,200 के नीचे 100 के नीचे कन्फर्म हो जाएगा पूरा, देन आप यहाँ से सेल कर सकते हो, और थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रखे, टारगेट भी थोड़ा बड़ा ज्यादा बड़ा रखो, स्टॉप लॉस मान लो 200 पॉइंट का रख रहे हो, टारगेट 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट 2,000 पॉइंट का टारगेट रखो, क्योंकि मार्केट अभी अगर यहाँ से इस लेवल को तोड़ेगा ना तो मार्केट को कुछ ना कुछ तो पता है जो हम लोगों को नहीं पता होगा अभी, क्योंकि फ्राइडे को या सैटरडे को आ रहा है एग्जिट पोल, तो फ्राइडे तक मार्केट अभी मार्केट को जाना होगा, तो यहाँ झटका दे सकता है, यहाँ तक मैं नहीं बोल रहा हूँ झटका नहीं दे सकता, झटका दे के देन फिर जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उस बात का ध्यान रखना। और बैंक निफ्टी में बता दिया आपको कि कितना हाई जा सकता है बैंक निफ्टी, और अभी थोड़ा सा ट्रेड संभाल के करना, क्योंकि मेरा भी एक दो लॉस हुआ है, और मार्केट जो लॉस हो रहा है ना वो थोड़ा सा, और ऑप्शंस भी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, और इसलिए आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो थोड़ा संभल के करो, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे आपका लॉस उतना ज्यादा ना हो। आप अगर आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग स्ट्रैंगल नहीं, आप एक बुल कॉल स्प्रेड और एक बियर पुट स्प्रेड लेके जाओ, मतलब एक पुट बाय करो दूर का, देन पुट सेल करो और दूर का, देन कॉल बाय करो दूर का, देन और एक कॉल सेल करो और दूर का, ये आप कर सकते हो इसके लिए, मतलब फ्राइडे आगे देखते हो आपका कैंडल कैसा बन रहा है तो आप कर सकते हो, उसमें आपका प्रॉफिट होने का चांसेस है, दोनों बना के लेके जाओ तो हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो लॉस भी कम होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन सेल भी रहेगा साथ में। और इलेक्शन रिजल्ट के दिन तो गलती से भी ट्रेड मत करना, इवन मैं भी ट्रेड नहीं करने वाला इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, मैं की बात कर रहा हूँ, उस दिन बहुत ज्यादा आपका ATM में आपका ऑप्शन मुझे जो लग रहा है 700 तो होगा ही होगा कम से कम बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में कम से कम 300 या फिर 200 तो होना ही होना है, 300 ATM में मैं कभी नहीं करूंगा, और 700 ATM में मैं कभी ऑप्शन बाय तो नहीं करूंगा, मैं सेल कर सकता हूं, क्योंकि सेल करने से इवेंचुअली वो गिरेगा, देन शायद कि स्पाइक्स IV स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होंगे उस दिन, और इनिशियल एकदम स्टार्टिंग में होगा वो, उसके बाद पूरा दिन वो आपका गलेगा, ठीक है। मैं 2-3 में झटका खा चुका हूं पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूं मत करो उस टाइम पे ट्रेड, करना है थोड़ा वेट करके 12-12:30 बजे की बात करो, तब तक IV थोड़ा बहुत क्रैश हो चुका होगा, और उस टाइम पे अगर कोई डायरेक्शन पकड़ लिया और थोड़ा लंबा चला गया, उस टाइम पे 2-3% मार्केट मूव कर लिया आपके सपोर्ट में, देन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तब हो सकता है, लेकिन इनिशियल टाइम में 9:20 को 9:15 वाला स्ट्रेटेजी गलती से भी मत करना कि कॉल पुट बाय कर लिया हो जाए, कुछ नहीं होगा। और बैंक निफ्टी ध्यान रखना, बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी हाई को भी तोड़ के ऊपर चला जा चुका है, और ये अभी 1,000 पॉइंट दूर है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर जो इलेक्शन का जो रिजल्ट रिजल्ट उसमें ज़्यादा रिएक्ट करें, इवन पॉजिटिव साइड में भी और इवन नेगेटिव साइड में भी, नेगेटिव साइड में तो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में ऑलरेडी है, मतलब कंपेरिजन टू निफ्टी,
और पॉजिटिव साइड में भी शायद ज्यादा रेट करे क्योंकि निफ्टी भाग चुका है, तो इसको भगाए तो इसको ये सब क्रॉस करके शायद ये ज्यादा भागे, वोलाटाइल ज्यादा हो, ज्यादा मूव करे। और जो मैं बताया फ्राइडे जो कैंडल बनेगा, मोस्ट प्रॉबली कि मंडे को वही कैंडल बने और 2-3% उस तरफ ही मूव करे। ऐसा कुछ पोजीशन बना के जाओ जो उस तरफ ही मूव करे, थोड़ा सा ऐसा बना के जाओ कि चलो ठीक है आया तो आया प्रॉफिट अच्छा खासा, नहीं आया तो रहने दो, तो ऐसा आप कर सकते हो। और थोड़ा सा देख लेना क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट मूव आता है, कभी कभी एक बार शायद इलेक्शन में शायद मूव भी नहीं आया, एक बार शायद मुझे नहीं पता, मैं इतना वो बैक टेस्ट नहीं करता क्योंकि बैक टेस्ट से कुछ नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर साल अलग होता है, हर साल हर बार इलेक्शन में अलग मार्केट रिएक्ट करता है। तो जब लोग बनाते ना वीडियो कि 2019 में ये हुआ, 2014 में ये हुआ, 2009 में ये हुआ, उसके चक्कर में मत पड़ो, मैं बार बार बता रहा हूँ इस बार कुछ डिफरेंट होगा। लेकिन आप बोल रहे हो फ्राइडे वाला, ये वाला क्यों है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ फ्राइडे वाला ही मंडे होगा, क्योंकि फ्राइडे जो बना के जाएगा अगर 1-1.5% मार्केट उठा, 2% उठा, समवन नोज समथिंग ना, तो आप उसके साथ जाओ, उसने मार्केट उठाया तो उसको कुछ पता होगा, ठीक है वो शायद बुलिश पोजीशन बना रहा होगा मतलब सुबह से फ्राइडे को, तो उसको पता है कि ऐसा आएगा एग्जिट पोल, देन ये होने वाला है, उसके साथ जाओ आप। इधर फ्राइडे इसलिए मैं बोला थर्सडे का भी कंफर्म नहीं है, अगर थर्सडे मान लो कि ग्रीन होता है तो फ्राइडे को भी ग्रीन होगा, देन मंडे को ग्रीन होगा, वो मैं कंफर्म नहीं बोला, इसलिए मैं बोला वो ज्यादा कंफर्म नहीं, लेकिन थर्सडे फ्राइडे वाला ज्यादा कंफर्म है। अगर फ्राइडे बनाता है देन एंड ऑफ द डे आप पोजिशन लेके जा सकते हो कि हाँ उसी साइड मार्केट फेवर में जाएगा मंडे को, क्योंकि समवन नो समथिंग या फिर बिग प्लेयर्स नो समथिंग, तो जो जो आपको नहीं पता था, इसलिए मैं वो वाला बोल रहा हूँ। और बाकी मैंने इलेक्शन टाइम में भी आपको जो रिजल्ट के दिन भी ट्रेड करने के लिए मना किया, और करने से भी कुछ ऐसा करो जो आपको लगे ठीक है, कि अभी बीजेपी ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है, या फिर जो देखो अगर अभी बोलोगे मार्केट अगर मान लो कि बीजेपी का नेगेटिव हुआ तो क्या हो सकता है, तो मार्केट गिरेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिरेगा, तो गिरेगा लेकिन कितना तक गिरेगा, बहुत गिर सकता, हो सकता है आपका 42,000 सब तक भी लेवल आ जाए, देन वहां से इवेंचुअली बाउंस करे, अच्छा खासा बाउंस करे। और अगर मार्केट मान लो ऊपर जाना हुआ ऊपर भी जाएगा, लेकिन वही वहां से मार्केट वहां तक ही जाएगी, ज्यादा मार्केट का मुझे स्पेस और नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा संभल के करना। और बस ये मैं क्यों बना आज वीडियो, क्योंकि मुझे वो जो यूट्यूब में देख रहा हूँ ना ये करो ये करो ये करो ये करो, इसलिए बना रहा, क्योंकि मुझे इलेक्शन से पहले बनाने का मन भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन में बहुत ज्यादा, अभी मैं आपको क्या बताऊँ कि मंडे को ये करना यहाँ पर बाय करना यहाँ पर से, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो करना होगा मार्केट जो पता होगा मार्केट वो न्यूज पे रिएक्ट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट में क्या होने वाला है, वो फ्राइडे को पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है सैटरडे से पहले, और शायद मंडे को तो और ज्यादा पता चल जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो उस हिसाब से मार्केट शायद एक बार रिएक्ट करे। और मैं ज्यादा न्यूज का एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करता, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं न्यूज का एग्जिट पोल ज्यादा बिलीव नहीं करता, जो मंडे को होगा मुझे समझ में आ जाएगा कि मार्केट शायद वही चेयर कर रहा है, अगर कोई जीतेगा उसके फेवर में मार्केट चेयर करेगा तो मंडे को पता चल जाएगा, या फिर फ्राइडे को ही मुझे ऑलमोस्ट थोड़ा सा मुझे हिंट मिल जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है, इसके बाद में उस हिसाब से मैं थोड़ा सा कुछ कर सकता हूँ कि हाँ एक कुछ थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा गया, फिर बड़ा सा स्टॉप लॉस लगा, बड़ा सा टारगेट के लिए प्ले कर सकता हूँ और क्वांटिटी साइज कम कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।